हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपका भाई हाजिर है नई वैकेंसी के साथ। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से। यहाँ पे बहुत ही तगड़ी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी और सारी की सारी वैकेंसी मेरे भाई फ्रेशर कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे कैसे अपने को अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, जॉब लोकेशन आपको क्या देखने को मिलेगा, इवन आपका सीटीसी क्या रहने वाला है, आपका सैलरी क्या रहेगा, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा बिना स्किप किए। यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूं, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना। टारगेट आपका रहेगा 700 प्लस का, 700 प्लस आपको लाइक करवा देना है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को दबा के शेयर कर देना है बिना कंजूसी के। और जब भी आप वीडियो को लाइक करते हो तो हमको मोटिवेशन मिलता रहता है ऐसे बेहतरीन वीडियो बनाने का। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी ब्रांच को कमेंट करके बता देना कि आपने कौन सी ब्रांच में डिप्लोमा बीबीटेक की है और कौन से ट्रेड के अंदर आईटी की है, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको उसी से रिलेवेंट देखने को मिले और इनडायरेक्टली वहां पे आपको फायदा होगा। इवन मैंने आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिए हैं, लाइक टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप ग्रुप का, लिंक्डइन का, इंस्टाग्राम का और फेसबुक ग्रुप का। जल्दी से जाके इन सारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लेना। इन सारे प्लेटफॉर्म पे आपको उन जॉब्स का अपडेट भी देखने को मिल जाएगा जो कि अक्सर मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाता, और यूट्यूब पे सारी जॉब्स का अपडेट देना पॉसिबल नहीं है। तब डायरेक्टली इन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है या कुछ भी पूछना है तो आप डायरेक्टली मुझको मैसेज कर पाएंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाले आइकन है उसको दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि अप्लाई लिंक आपको कहाँ देखने को मिलेगा। अप्लाई लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, एज वेल एज मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दिया है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे आदित्य बिरला ग्रुप का कैरियर का पेज ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। पहला यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पे जॉब को फाइंड कर सकते हैं अपने रोल के अकॉर्डिंग। आपके पास जो भी स्किल है उसको यहाँ पे लिख के आप फाइंड कर सकते हैं। सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जॉब शो हो जाएगी, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे सबसे बड़ी ऑप्शन देखने को मिलेगा फिल्टर का। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं फिल्टर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसके अकॉर्डिंग भी जॉब को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब कि अगर आप फ्रेशर है, तो यहाँ पे आप जीरो ईयर का एक्सपीरियंस डाल के भी जॉब को फाइंड कर सकते हैं। सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके पास सारी की सारी जॉब ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं उन्हीं वैकेंसी को डिस्कस करूंगा जो कि ओनली फॉर फ्रेशर कैंडिडेट के लिए निकाली गई है, जिसमें फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस वाले अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे जॉब को फाइंड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी वो आपको देखने को मिलेगी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली टेक्नीशियन डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इंडिया की लोकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो वैकेंसी निकाला गया है वो आपको देखने को मिलेगा, आदित्य बिरला ग्रुप का स्टील प्लांट है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा, मतलब कि जीरो से लेकर दो साल तक का एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। मतलब साफ है कि फ्रेशर है, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। 2023 में पास आउट होने वाला है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और 2023 से पहले आप पास आउट हो चुके हैं तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। जितनी भी वैकेंसी बताऊंगा उसके अंदर 2023 वाले एलिजिबल रहने वाले, बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया साफ साफ कि आपके पास जीरो से लेकर दो साल तक का मैक्सिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया वो आपके यहाँ पे डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के अंदर होना चाहिए, या फिर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन में डिप्लोमा किया है आप एलिजिबल रहेंगे, या फिर अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक के अंदर डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। मतलब यहाँ पे आपने अगर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल से रिलेवेंट किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा किया है आप एलिजिबल रहेंगे। इवन अगर आपने बीबीटेक कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई वाला बटन है, इस पे आपको करना है क्लिक, डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जॉब को देखने को मिलेगा वो ऑपरेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जॉब लोकेशन आपको इंडिया की देखने को मिलेगी। किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा, फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नाउ का बटन है, इस पर क्लिक करके आपको अप्लाई कर देना है। बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में।
यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया कि अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा किया है मेटलर्जी के अंदर आप एलिजिबल रहेंगे, मैकेनिकल के अंदर अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, साथ ही साथ अगर आपने बीएससी कर रखा है या एमएससी कर रखा है, केमिस्ट्री आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे किसी टाइप का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, 0 से लेकर 2 साल तक के एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीटेक मेटलर्जी में कर रखा है या फिर मैकेनिकल में कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई वाला बटन है, इस पर क्लिक करके आपको अप्लाई कर देना। मैं अप्लाई का प्रोसेस बताऊंगा, सबसे पहले हम सारी वैकेंसी को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो आपको टेक्नीशियन का वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगा, आरबीडी डिपार्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, जॉब लोकेशन आपको इंडिया की देखने को मिलेगी, साथ ही साथ यहाँ पे किसी टाइप का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। डायरेक्टली बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन अगर आपने यहाँ पे आईटीआई किया है आप एलिजिबल रहेंगे, अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा किया है आप एलिजिबल रहेंगे, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन की पोजीशन पे अप्लाई वाला बटन है, इस पर क्लिक करिएगा, अप्लाई कर सकते हैं। 2023 में पास आउट होने वाले हैं तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, और 2023 से पहले पास आउट हो चुके हैं तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा वो कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कॉपर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी किसी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा, फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 2023 में पास आउट होने वाले हैं तो आपके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, और 2023 से पहले पास आउट हो चुके हैं तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। अप्लाई वाला बटन है, इस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे इन्होंने मांगा नहीं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, लेकिन अगर आपने यहाँ पे बीएससी कर रखा है, बीटेक कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है तो आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आईटीआई वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ पे जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा ट्रेनिंग का वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, रिसर्च एसोसिएट के अंदर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, जॉब लोकेशन आपको इंडिया की देखने को मिल जाएगी, 0 से लेकर 2 साल तक का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है, मतलब साफ है कि फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पल्प और फाइबर के अंदर वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा किया है आप ट्रेनी पोजीशन पर अप्लाई कर सकते हैं, वहीं अगर आपने बीटेक किया है आप ट्रेनी पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी कर रखा है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई वाला बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, डायरेक्टली अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में अगर हम डिस्कस करें, यहाँ पे जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा मैनेजमेंट ट्रेनी का पोजीशन देखने को मिलेगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर हमने एमबीए कर रखा है बीटेक के बाद या फिर बीएससी के बाद बीकॉम के बाद तो हमारे लिए वैकेंसी लिखी है, तो यहाँ पे एमबीए वाले एलिजिबल रहेंगे मैनेजमेंट ट्रेनी की पोजीशन के लिए, साथ ही साथ अगर आपने बीटेक कर रखा है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा, फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, 2023 वाले को यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाने वाली है और 2023 से पहले यहाँ पे पास आउट हो चुके हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई वाला बटन है, इस पर आपको कर देना है क्लिक, डायरेक्टली आप अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा अकाउंटेंट का वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप में से किसी ने यहाँ पे बीकॉम कर रखा है या फिर अगर आपने सीए कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई वाला बटन है, इस पर क्लिक कर देना है, डायरेक्टली यहाँ पे 0 से लेकर 3 साल तक का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है जो कि यहाँ पे मांगा है, मतलब फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है। देखिए आप अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करिएगा, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, आराम से इस फॉर्म को पढ़ना है और अच्छे से इसको फिल आउट कर देना है। नॉर्मल सा फॉर्म है, यहाँ पे ज़्यादा कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। अब डायरेक्टली इसको फिल करिएगा, यहाँ पे आपको अपने रिज्यूम को ध्यान रखिएगा, जो इन्होंने मेंशन कर रखा है उस चीज का ख्याल रखिएगा। मैक्सिमम जो आपका सीवी है, रिज्यूम है, वो 3 MB तक होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का रिज्यूम 10 MB का है, 20 MB का है, तो उसको यहाँ पे आप साइज को आप कम कर सकते हैं, उसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपका रिज्यूम का साइज बड़ा होगा तो यहाँ पे अपलोड नहीं होगा, तो इस चीज का ख्याल रखना है। सबमिट अप्लीकेशन वाले पे क्लिक करके यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके डायरेक्टली सबमिट कर देना है। इससे रिलेटेड अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपकी ब्रांच कौन सी है, आपका ट्रेड कौन सा है, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको उसी से रिलेवेंट देखने को मिले। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।